गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसके 100% आने वाले ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ दिए हुए हैं। तो इसको आप सही से पढ़ लेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और बराबर में है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह 22/7 और गुना r³ बराबर 19,404। तो यहां से r³ बराबर हो जाएगा 19,404 गुना में 3 × 7 और बट्टा में आ जाएगा ये 2 × 22। 2 से इसको काटिए, 2 × 18 = 2 × 7 = 14 = 02, फिर 22 से इसको काटिए, 441 बार में कट जाएगा। और ये 7 × 21 है और ये 21 का स्क्वायर है, 441 21 का स्क्वायर है और ये 7 × 21 है, यानी कि 21 का क्यूब हो जाएगा ना। चलिए, 21 सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूब क्यूब हटा दीजिए, आर बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप फॉर्मूला जान लीजिए, होता है इसका 3πr² तो 3 × 22/7 r² यानी 21 × 21, 7 × 21 ये 22 × 66 और 21 × 63, तो गुना कर लीजिएगा दोनों में, 66 × 63 से, तो आपका आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। समझ गए, अगला कह रहा है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जबकि त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो होता है 4πr² तो आपको पता है। चलिए, अगला 3 नंबर देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है ना। तो देखिए, यहाँ पाई की जगह कुछ नहीं रखना है क्योंकि पाई में ही आंसर दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो 1/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, 6 × 6 और गुना 24 हो जाएगा ऊंचाई, तो इसको काट दीजिए, 3 × 6 = 6, 6 × 12 और 12 में 24 से गुना कर दीजिए, 288 आ जाएगा पाई, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो 288 पाई हो जाएगा। अगला 4 नंबर कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी कि 2πr h दिया है आपके पास, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से 2 पाई की जगह 22/7 रख लेंगे, r तो नहीं दिया है, h दिया है 14, बराबर में 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इससे काट देते हैं 2 बार में। ठीक है, यानी कि r बराबर हो जाएगा 264/2×22×2 सेंटीमीटर, तो 2 से इसको काटिएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 4, 22 से इसको काटिएगा 6 बार में ना, 2 से इसको काटिएगा फिर 3 बार में, तो r बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर, r कितना गया 3, तो इसका आयतन निकालना है 4 नंबर में। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है ये, तो ये आपका क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन शॉर्ट में, इसलिए पूरा नहीं लिखा जा रहा है, सॉरी, बेलन का आयतन क्या होता है आपका, πr²h, तो पाई के जगह 22/7 रखना होगा इस बार, क्योंकि पाई में आंसर नहीं दिया है। चलिए, r की जगह 3 × 3 और h की जगह है 14, 7 × 14 दो बार में कट जाएगा ना। अब चलिए, इसको गुना कर दीजिए, तो ये देखिए, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 में 22 से गुना कर दीजिएगा, तो 18 में 22 से गुना कर दीजिए, 396 आ जाएगा। ठीक है, 396 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको इरेज करना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल, तो गोले के आयतन का अनुपात दिया, ध्यान से देखेंगे आयतन का अनुपात, तो एक का हो जाएगा 4/3 πr³ कर लेते हैं, उसको छोटा r मान लेते हैं, और दूसरे में 4/3 πr³, वही ना आयतन का अनुपात होगा, बराबर में दिया है 8/27, ये तो कट जाने है ना, और क्यूब ले जाएंगे तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर होल क्यूब कर दीजिए और इसको कर दीजिए 2/3 का क्यूब, क्यूब क्यूब हटा दीजिए, यानी कि दोनों के त्रिज्या का अनुपात जो हुआ ना,
2:3 आ गया। तो त्रिज्या का अनुपात 2:3 आ गया। तो उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोले के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो गोले का सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr² और दूसरा आंकड़ा हो जाएगा 4π R². ये 4π कट गया, यानी कि हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं। त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके वर्ग का अनुपात ही ना होगा, यानी कि 4/9, 4:9। देखिए तो कौन सा है, डी नंबर है, समझ गए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का, तो देखिए ऊंचाई एच दिया है और त्रिज्या आर दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है। चलिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πR ब्रैकेट में H प्लस R, यही ना होता है कुल। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, एक तिहाई है ना। चलिए हो गया, समझ गए। यहाँ 2πR और 2πR काट दीजिए, ये 3R के H में गुणा करेगा तो यहाँ से 3H हो जाएगा ना, समझ गए कि नहीं। और बराबर में जो है आपका वो तो रहेगा ही, यानी कि एच प्लस आर, समझ गए। एच को इधर लगे घटा दीजिए तो हो जाएगा 2H बराबर R, यानी H बराबर आ जाएगा 1/2R। चलिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, यानी कि उसका आयतन निकाल दिएगा तो पता चल जाएगा कितना वो हवा को विस्थापित कर रहा है, यानी हटा रहा है। तो यहाँ से 12 जो है व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना, 12/2 6 आ जाएगी। अच्छा चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, तो गोले का आयतन आपको निकालना पड़ेगा, तो होता है 4/3πr³। तो 4/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए और आर की, क्योंकि आंसर में देख रहे हैं ना सब पाई में दिया हुआ है एक को छोड़ के। तो चलिए इसको निकालते हैं, आर, आर का क्यूब कितना होगा, तो आर, आर आपका कितना है 6×6×6, इसको इससे काट दीजिए 2 बार में, 4×8 अच्छा जाएगा 36, 36 में 8 से गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा और पाई तो है ही। चलिए सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डी नंबर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी दोनों के आयतन का अनुपात निकाल दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, है ना, उसका कितना आयतन हो रहा है और उसमें कितना 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बन सकता है, इसे पता चल जाएगा। तो घन का आयतन होता है क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि हो जाएगा 5³ और बट्टा में 1³, यानी कि 125/1, यानी कि 125 आ जाएगा, समझ गए। अगला 9 नंबर देखते हैं, ये 8 नंबर था। 9 नंबर में कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या, अच्छा आर बराबर दिया है 80, ठीक है, और ऊंचाई दिया है 20, ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH+R, ये ना होता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस R, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसके सतह का क्षेत्रफल होता है 2πRH, ठीक है। तो 2πR काट दीजिए, H प्लस R यानी कि 20+80 और बटा में एच कितना है आपका 20 है, तो ऊपर हो जाएगा 100 और बट्टा में 20, इसको काट देंगे 20×5=100, यानी कि 5:1 आएगा, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बेलन तथा शंकु के आधार के आधार वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल 3:4 है, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, यानी कि एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों के त्रिज्या यानी उसके आधार की जो वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनके ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो हमें उनके आयतन का अनुपात, तो आयतन के अनुपात की बात करें तो आयतन का अनुपात हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, तो πr²H, और शंकु का होता है 1/3 पाई, अब त्रिज्या अलग अलग है तो इसको दूसरे लेटर से डिनोट करना होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 बाई बड़ा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यहाँ से 3 पाई पाई कट जाएगा, चलिए 3 ऊपर चल जाएगा, 3R²/H और बटा में R²H। अब चलिए 3 त्रिज्या का अनुपात 3:4 दिया है ना, तो ऊपर 3 रख देंगे और नीचे 4 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इंटू
दोनों की ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है 2:3। चलिए तो यहाँ से एक काम करते हैं, 3 × 3 का² 9 और बटा में यहाँ पे आपका क्या है 4, तो 4 का² 16 और गुना में 2/3, 3 × 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार में, 9:8 आ गया, समझ गया ना यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 11 नंबर में कह रहा है कि एक घन का आयतन दिया है 2744। चलिए तो आपको पता है कि यहाँ से आपको घन की भुजा निकालनी होगी, तो भुजा का क्यूब होता है ना आयतन, तो भुजा का क्यूब बराबर में हो जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना का क्यूब होता है आपको पता है, 14 का क्यूब होता है, तो इसको 14 का क्यूब कर दीजिए तो यहाँ से आपका भुजा निकल जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, समझ गए। अब आपको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये घन है ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 × भुजा का² 6 × भुजा का² यानी हो जाएगा 6 × 14 × 14, तो 14 × 14 यानी 14 का² हो जाएगा 196, 196 में कितना से गुना करना है 6 से, तो 6 से गुना करिएगा तो 1176 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आ गया अगला कह रहा है 12 नंबर में कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे की ठोस गोले और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने उससे ठोस गोले बन सकते हैं, यानी दोनों का आयतन का अनुपात, एक क्वेश्चन था ना इस टाइप का, यानी तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, क्योंकि ये बड़ा त्रिज्या है ना, और बटा में क्या लिखेंगे 4/3 πr³, ये दोनों तो कट जाएंगे 4/3 π, अच्छा त्रिज्या का क्यूब कर देना है, त्रिज्या के अनुपात का क्यूब है ना, यानी कि आपका त्रिज्या का, यानी कि यहाँ त्रिज्या है इसकी 8, तो 8 का क्यूब और बटा में 1 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512 बटा 1 का क्यूब 1, यानी कि 512 ही ना आएगा। चलिए समझ गए, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्ध गोले का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता ही है 2πr², ठीक है 2 × 22/7 और × 3.5 × 3.5, इसमें इससे गुना कर देते हैं 0.5 में 2 से गुना करिए 1 और 1 में 22 से करेंगे 22 में 3.5 से कर दीजिए 77 आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह दिया है कि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल, तो आपको बता दें धातु के वलय का क्षेत्रफल जो होता है ना, आपको पहले फॉर्मूला में बता चुके हैं, पढ़े भी हैं आप लोग, वो आपका होता है π r² - r² तो इसी को आप एक बार π r + r और r - r करते हैं, होता है ना फॉर्मूला a² - b² प्लस में एक बार माइनस में, यानी यहाँ माइनस वाला भर देना होगा है ना। चलिए एक गोले का क्षेत्रफल, तो एक गोले का क्षेत्रफल निकालना है तो होता है 4πr², समझ गए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, आपको सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। और आपको ये बता दें कि इस पे सारे सब्जेक्ट के, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट के एनसीईआरटी है, आपको केसी सिन्हा का सोल्यूशन मिलेगा, तो प्लीज आप लोग, आपको उसकी लिंक की जरूरत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7301778899 और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।